सीमा हैदर को सचिन ने पीटा, मुंह फोड़ा, हाथ तोड़ा, रोते रोते वीडियो वायरल। मैं खुद जाती, मैं याद चली जाओ, मेरी जान छूट जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। अपने प्यार के लिए पति, परिवार और पूरे पाकिस्तान को छोड़कर भारत आई सीमा हैदर लगातार चर्चा में बनी हुई है। अभी दो दिन पहले की तो बात है जब सचिन ने सीमा के लिए पूरे पाकिस्तान को धमकी दे डाली थी, लेकिन अब जो तस्वीरें और वीडियोस सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रही हैं वो थोड़ा परेशान कर देने वाली हैं। एनएमएफ न्यूज ना ही इस खबर की पुष्टि करता है और ना ही इन वीडियोस की, लेकिन सोशल मीडिया के दौर में सीमा के कुछ वीडियोस फॉरवर्ड हुई तो देखकर हमारी टीम भी दंग रह गई। वीडियोस के साथ दावा किया जा रहा है कि सीमा को बुरी तरह से पीटा गया, उसका मुंह फोड़ा गया है, हाथ तोड़ा गया है। दावा किया जा रहा है कि ऐसा किसी और ने नहीं बल्कि सचिन ने किया। मारेगा किसी बेबस को, कितना मारेगा किसी बेबस को। मैं खुद जाती, मैं याद चली जाओ, मेरी जान छूट जाए। वीडियो में सीमा रोते हुए भी दिख रही है। इस वीडियो की सच्चाई क्या है ये पता लगाने के लिए सोशल मीडिया का हर कोना खंगाला गया, लेकिन कुछ समझ नहीं आया और ना ही इससे जुड़ा कोई सच दिखा। लेकिन हाँ, इसी बीच सीमा सचिन के वकील एपी सिंह का एक बयान दिखा जिसमें वो पुष्टि कर रही हैं कि सीमा और सचिन के बीच कोई मारपीट नहीं हुई। सीमा के वकील ने वीडियो जारी कर बयान दिया जिसमें उन्होंने पाकिस्तानी यूट्यूबर पर सीमा के फेक वीडियो बनाकर वायरल करने का आरोप लगाया। सुनिए एपी सिंह ने क्या कुछ कहा। आज जो खबरें चल रही हैं बहुत से बड़े बड़े चैनल्स पर कि सीमा सचिन मीना की आपस में कोई लड़ाई हो गई है, बहुत लोग छटकारे ले रहे हैं, बिल्कुल पूरी तरह से भ्रामक हैं, गलत हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के तहत बना बना के नकली डाल रहे हैं वो लोग, अपनी दुकानें चला रहे हैं, अपने यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, जो कि पूरी तरह से गलत है। पिछले दिनों आपने देखा, कहीं दिखाया गया सीमा के ददिया ससुर एक्सपायर हो गए, कहीं ससुर एक्सपायर हो गए। इस तरह से झूठी झूठी अफवाहजनक खबरें चला चला के इस तरह सोशल मीडिया जो यूट्यूबर्स हैं उनको भी बदनाम किया जा रहा है। पाकिस्तान के कुछ तथाकथित न्यूज चैनल ऐसा कर रहे हैं, सावधान रहना है सभी को। अभी भी मेरा लगातार अभी भी बात, कोई ऐसी खबर नहीं है सीमा सचिन मीना के बीच में जिसमें कहीं कोई लड़ाई तो जीवन में उनमें कभी नहीं हो सकती। ये तो बता दो, वो भारत की संस्कृति सनातन पद्धति में रहे हैं, उन्होंने सीता और राम का इतिहास देखा है, राधा और कृष्ण का इतिहास देखा है, उनकी पूजा करती हैं, भाव और भावना के साथ रहती हैं। ये तो दिमाग से निकाल दीजिए आप। और निश्चित तौर पर ये इस तरह से उनको, उनके परिवार को, सचिन को बदनाम करने की जो साजिश है वो डॉक्टर एपी सिंह की बहन है, और डॉक्टर एपी सिंह जिसको बहन बनाता है जांच परख के बनाता ही है, लेकिन इसके साथ साथ जो बहन बनती है डॉक्टर एपी सिंह की वो भी अपने में गौरवशाली होती है, अपने में बहुत ही विशाल होती है, अपने में बहुत सहृदय होती है। उस गरिमा को निभाने का काम हर बहन, हर महिला डॉक्टर एपी सिंह की बहन नहीं बन जाएगी, लेकिन जो डॉक्टर एपी सिंह की बहन बनती है, राखी बांधती है, वो जीवन में दिखा भी देती है कि वो बहन है और रहेगी। बहरहाल एक बार फिर से आपको बता दें, एनएमएफ न्यूज सीमा के साथ हुए ऐसे किसी भी घटनाक्रम की पुष्टि नहीं करता, लेकिन वादा करता है कि जल्द ही इसकी सच्चाई आप तक जरूर पहुंचाएगा। फिलहाल आप इस खबर को लेकर क्या राय रखते हैं कमेंट करके जरूर बताएं।